सो वेलकम बैक अगेन द न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में आप सीखने वाले मोडी डार्क टोन कैसे डालें अपनी फोटो में लाइक दिस। तो वीडियो की बीच में आपको वीडियो का इस प्रीसेट का पासवर्ड मिल जाएगा, जो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। और पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको वो इसका पासवर्ड नहीं मिलेगा। और वीडियो भी देख लेना, ध्यान से देख लो यार, आप भी सीख जाओगे मैनुअल तरीके से आप कैसे इस स्टोन को फोटो में डाला जाता है, नहीं तो और कितने देर प्रीसेट के पीछे भाग रहे हो, ठीक है ना। प्रीसेट के पीछे भागने की दिन गया, आप मैनुअली सीख लो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं इस प्रीसेट का कार्व टूल में कॉपी कर लूँगा, किसको ये कार्व टूल जो है ना उसको बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप मेरा कोई सा भी प्रीसेट ले लेना, उसका इस कार्व टूल को आपको कॉपी कर लेना है। देन मैं लाइट पे जाके कार्व टूल को कॉपी कर लूँगा एंड इस फोटो में मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस कार्व टूल को मैंने पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको आपको आना है लाइट पे और आप फोटो के हिसाब से अपना लाइट एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ को लाइट को मैं डाउन कर देता हूँ, कुछ इतना तक कर लेता हूँ, बाद में मैं एडजस्ट कर लूँगा। देन कॉन्ट्रास्ट को मैं 45 तक करता हूँ, -45 तक करना है आपको। चलेंगे हाईलाइट पे, हाईलाइट को 60 तक डाउन करना है आपको, 60% -60 तक डाउन कर लेना है। एंड शेडो को इंक्रीज करना है, जैसे 76 तक ओके, आप 76 तक कर सकते हो। मेरे फोटो में ज़्यादा ही डार्कनेस है, इसलिए मैं शेडो को इंक्रीज कर दिया। एंड वाइट जो है इसको चेढ़ने का ज़रूरत नहीं। एंड चलेंगे सीधा ब्लैक पे, ब्लैक पे आके इसका इंक्रीज करूँगा 59 या 60 तक चलता है। मैंने लाइट एडजस्टमेंट तो कर दिया, चलते हैं आप कलर टैब में। कलर टैब में आके यहाँ से टेम्परेचर को आपको मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले टेम्परेचर जो है उसको मैं 21 तक मैं रखूँगा मेरे हिसाब से। आप भी यही कर लेना, क्योंकि इसी टोन में आप डार्क टोन दे सकते हो। और टिंट को 10 तक इंक्रीज कर लेता हूँ, 10 तक। एंड जो बिगनेट है ना, विंटेज को मैं -3 तक रखूँगा। और जो सेचुरेशन है उसको -13 तक चलता है, क्योंकि आपको डार्क टोन जो डालना है। तो यहाँ से टेम्परेचर का काम कंप्लीट हो गया। चलेंगे मिक्स टूल पे, मिक्स टूल पे आके यहाँ से रेड कलर का ल्यूमिनेशन इंक्रीज करना है और सेचुरेशन को भी कर लेना, क्योंकि लिप्स में जो टोन रहता है वो रेड टोन से आता है। तो यहाँ से ऑरेंज टोन पे मैं इंक्रीज करूँगा लुमिनियस, क्योंकि फेस ज़्यादा ही डार्क है। और सेचुरेशन में डाउन कर लूँगा और ह्यू को मैं 4 तक करूँगा, जिससे फेस पे टोन आ जाए। और यहाँ से जो येलो कलर है इसका सेचुरेशन मैंने डाउन कर दिया एंड ह्यू को मैं 15 तक रखूँगा, 14 या 15। एंड लुमिनियस को मैं डाउन करूँगा 11 या 12 चलता है, ये ऊपर नीचे थोड़ा चलता है, ज़्यादा नहीं। तो ग्रीन कलर पे आ गया, इसका भी सेचुरेशन डाउन करना है आपको। एंड जैसे इसका ह्यू जो है उसको 22 तक कर लो, फोटो में अच्छे से एक टोन आएगा 22। एंड लुमिनियस को आपको -15 कर देना, जिससे डार्क टोन आ जाए एकदम बैकग्राउंड में। एंड कर लिया देन, और साइड में जो कलर है वो 4 कलर, उनका छेड़ने का ज़रूरत नहीं। बस मेरे टी शर्ट का कलर इससे मैच आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा टोन डाल देता हूँ, इसे डार्क कर दूँगा, लुमिनस डाउन कर दूँगा और सेचुरेशन थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, जैसे कि और भी लाइट दिख यो कलर दिखाई दे आपकी टी शर्ट पर। और फोर्थ तो छेड़ने का ज़रूरत ही नहीं है। तो चलते हैं ग्रेडियंट पे, असली काम तो यहाँ होगा। तो सबसे पहले शेडो पे आते हैं, शेडो पे आके ह्यू का जो
रखेंगे जो कहते हैं नंबर कहते हैं इसको, उस नंबर को मैं बता देता आपको, 218 तक कर लेना, 218 तक कर लेना, जैसे कि आप जो डार्क डार्क पार्ट है उसमें अगर ब्लू टोन आ जाए, और सेचुरेशन आप रख सकते हो 16 तक कुछ इस टाइप से। देन मिड टोन पे चलेंगे, मिड टोन पे आके वो ह्यू को मैं 40 तक कर लेता हूँ, एंड जो सेचुरेशन है उसको मैं 9 या 10 तक कर देता हूँ। एंड जो हाईलाइट है उसको भी इंक्रीज करना है आपको, जैसे कि 48 तक कर लो, बेटर रहेगा आपके लिए, और मेरे मेरे के लिए भी, दोनों के लिए। ऑन सेचुरेशन को आप 16 तक कर लो, जैसे सादा टोन है फेस पे, ऑरेंज टोन है जो फेस का। तो आपका ग्रेडियंट काम तो कंप्लीट हो गया। तो और इफेक्ट टूल पे आके आपको अपने साइड साइड से जो डार्क टोन आ रहे हैं उनको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इंक्रीज करूँगा। और क्लियरिटी देना चाहते हो आपकी फ़ोटो में, यहाँ से आप क्लियरिटी भी दे देना और डीएच और भी डार्क हो जाएगा फ़ोटो। देन चलेंगे डिटेल्स टैब में, डिटेल्स में शार्पनिंग दे देंगे, और मास्किंग को तो इंक्रीज़ करना डेफिनेटली, और नॉइस रिडक्शन, आपकी फ़ोटो में नॉइस होगा तो ऐसे कि यहाँ देख सकते हो आप कुछ पार्टिकल दिखाई दे रही ब्लैक ब्लैक, उनको रिमूव करने के लिए यह नॉइस रिडक्शन दिया गया है, तो इसको इंक्रीज़ करोगे तो रिमूव हो जाएगा। और कलर्स नॉइस रिडक्शन तो ज़रूर करना। तो कुछ इस टाइप से आपका फ़ोटो का कलर ग्रेडियंट तो कंप्लीट हो गया, बट अपनी फ़ोटो में ज़्यादा फेस ज़्यादा ही डार्क लग रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए आपको जाएंगे, यहाँ आएंगे एक्सपोज़र पे, एक्सपोज़र पे आके आपको एक्सपोज़र थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेना है, जैसे कि मैंने डाउन किया था बहुत ही खतरनाक तरीके से, उसको थोड़ा वापस ले लिया। देन यहाँ की काम खत्म, आप देख सकते हो आपको फोटो बिफोर एंड आफ्टर। और ये जो ऊपर में जो मैं देता हूँ ना हाईलाइट, उसको कैसे ऐड करना है, तो मास्किंग पे चलेंगे, ऐड पे करेंगे, एक ब्रश टूल लेंगे और ऊपर फोटो को एकदम जूम कर लेना, आपको दिक्कत ना हो। देन यहाँ से ब्रश कर देंगे अपनी फोटो पे ऊपर, जिस पार्ट पे आपको हाईलाइट चाहिए था। चलो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, देन इसके बाद बताऊँगा आपको तो किस टूल की मदद से ये सब होता है, वो सीक्रेट है, किसी को बताना मत बस। तो ब्रश तो कर दिया, तो चलो फोटो को नॉर्मल जूम आउट कर लेता हूँ, एंड चलेंगे इफेक्ट टूल पे जाके डीएच को डाउन करना है, और लाइट पे आके एक्सपोजर को इंक्रीज कर लेना है, जैसे कि ऊपर आपको लाइट दिखाई दे रहा होगा कुछ इस टाइप से, तो आपकी मर्ज़ी से कर लेना, जितना लाइट आपको चाहिए उतना इंक्रीज कर लो, और देन आपका फोटो एडिटिंग का काम कंप्लीट। तो याद से ये प्रीसेट डाउनलोड कर लेना जो आपको चाहिए होगा ज़रूर, आप इंस्टाग्राम में बोल रहे होते भाई प्रीसेट चाहिए था, तो प्रीसेट तो आ गए, और वीडियो को देख लेना भाई पूरा पूरा, क्योंकि वो प्रीसेट से कोई मतलब नहीं बनता, आप जो मैनुअली करना पाओगे ना तो ही मज़ा आएगा। तो चलो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए बाय।